अगर आप भी 5'4" है तो क्या आप राइड कर पाओगे इसको इजिली? यहाँ पे योगेश जी की हाइट है 5'4". योगेश जी राइड कर रहे हैं इस बाइक को, धमाल कर दी मतलब पूरी। अरे जिनोली वाले भाई साहब अपने जब बोलना दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हेली बाइकर में। मैं हूं आपका दोस्त शीतल और आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि हीरो एक्सपल्स 4V शॉर्ट राइडर के लिए वर्थ है कि नहीं। मतलब जो सीट हाइट है ना इसकी 825 mm की, तो वो क्या हैंडल कर पाएगा शॉर्ट राइडर उसको कि नहीं। क्योंकि इंडिया में जो मोस्टली हाइट है ना, जो एवरेज हाइट है वो है 5'6", तो उस हिसाब से क्या हीरो एक्सपल्स हाईवे के लिए बेस्ट रहेगी? जो पीपल्स हैं जिनकी एवरेज जो हाइट रहती है ना 5'6" से जो डाउन है, जिनकी 5'4" है, 5'5" है, तो उनके लिए वर्थ है कि नहीं है, तो वो इस वीडियो में आप देखोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा दो और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लो। तो यहीं रुकते हैं, कोई अच्छी सी जगह देखते हैं ना जहाँ पे सर्विस बिल्कुल फ्लैट हो, वहाँ पे टेस्ट करते हैं इसका थोड़ा। अरे जिनोली वाले भाई साहब अपने बढ़िया बढ़िया। चलो बताओ हर्ष भाई जरा शॉप के बारे में अपनी। भाई मेरी शॉप पड़ती है सुभाष कॉम्प्लेक्स इंस्टानगर पंचकुला हरियाणा में। तो आए थे काफी दिनों के बाद मिले, तो ऑनलाइन भी हमारा काम है ना, ऑनलाइन भी आप अगर यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते तो कहीं भी नॉर्थ इंडिया से आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन आप कॉल करो ठीक है, ये आपको कोरियर वगैरह सब फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, मतलब घर पे पहुँच जाएगा सामान आपका। तो आज इस वीडियो में आप देखोगे कि क्या हीरो एक्सपल्स जो शॉर्ट राइडर है ना उनके लिए वर्थ है, क्या वो उसको राइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप वो देखोगे। मेरे साथ हैं ये, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अपने साथ योगेश भाई। तो इनकी और मेरी हाइट में ना थोड़ा सा फ़र्क है, मेरी हाइट 5'6" है तो इनकी 5'4" है ना, तो 5'4" है, तो मैं तो इसको ईजिली राइड कर रहा हूँ। जो अपने योगेश जी हैं वो राइड कर पाएंगे अच्छे से कि नहीं कर पाएंगे तो वो देखेंगे। और कितना मतलब 5 फिट, अगर आप भी 5'4" है तो क्या आप राइड कर पाओगे इसको ईजिली? क्योंकि ये डर्ट बाइक है, एक ऑफ रोडर बाइक है और सैल्डिंग वगैरह के लिए इसकी जो सीट हाइट है थोड़ी ऊपर रखी गई है, ताकि जो भी आपके मड्स या जो ऑफ रोड में खड्डे वगैरह होते हैं ना उनको ईजिली टैकल कर पाए, तो उसी के हिसाब से बनाई गई है। बट क्या ये वर्थ है सिटी राइडर के लिए जो कि 5'4" के हैं? तो शॉर्ट राइडर्स के लिए क्या ये वर्थ है? मैं भी शॉर्ट राइडर हूँ बट मेरी हाइट थोड़ी एवरेज हाइट है, क्योंकि मोस्टली जो लोग रहते हैं ना इंडिया में 5'6" जो इंडिया की एवरेज हाइट है, तो उसके हिसाब से क्या ये बेस्ट बाइक है या नहीं, तो वो देखते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ना सामने, यहाँ पे योगेश जी की हाइट है 5'4", तो इनका एक पैर बिल्कुल टो टच है, मतलब दोनों ही पैर बिल्कुल टो टच है, बिल्कुल मतलब तो बिल्कुल फ्लैट है सरफेस अपना। तो आ जाओ, ये तो इसको थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा, मतलब अगर आप राइड करते हो ना इसको, 5'4" है आपकी हाइट, तो आपको थोड़ा मैनेज। कैसा लग रहा है क्या? बिल्कुल सीरियल जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस होता है और बहुत ही हल्की बाइक है, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा सही लग रही है एक्सपीरियंस है। और आप अगर टूरिंग के लिए ये बाइक लेना चाहते हैं तो बहुत ही मतलब अच्छी है आपके लिए, लाइट वेट है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है, और जो है सबसे बड़ी बात है कि अच्छी है, मतलब चलाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। हाइट आपको ऐसा लगता है जैसे किसी मतलब काफ़ी ऊंची जगह बस, मतलब आपको जब बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मेन आप जब रोकते हो तो आपको थोड़ा अपनी राइडिंग स्किल्स कहते हैं ना उनके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, और मतलब वो थोड़े आपको देखना पड़ेगा किस तरह से आपको बाइक अपनी रोकनी है, जब रोकनी है तो किस तरह से आपको ब्रेक लगानी है, तो वो सारी चीज़ें मतलब एक राइडिंग स्किल मैटर करेगी यहाँ पे। क्योंकि 5'4" तक आई थिंक इसको जो राइडर है 5'4" वाले वो राइड कर सकते हैं इजिली आई थिंक, जितना मैं सोचता हूँ, और मेरी हाइट 5'6" है। तो योगेश जी दिखाएं ज़रा, मैं भी दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर आपने मेरी हाइट जो है ना 5'6" है, तो मेरे जो पैर हैं पूरे टो टच हैं, मतलब आप देख आपने देखा मेरे पैर भी टो टच हैं पूरे, बट थोड़ा मेरा जो 1 फुट है ना जब मैं हल्की सी बाइक को डाउन करता हूँ तो पूरा ग्राउंड पे आता है। तो सिटी राइड में जब आप राइड करते हो ना ट्रैफिक में, तो 1 टो आपकी ईजिली लगनी चाहिए, तो वो आपकी राइडिंग स्किल के ऊपर
डिपेंड करता है किस तरह से आप बाइक को राइड करते हो। और आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करना। अगर अच्छी इन्फॉर्मेशनल थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी ना आपको तो बाइक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। नीचे रेड कलर का बटन है और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और योगेश जी कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा। तो बिल्कुल एक तगड़े वाली है, आप बड़े हॉर्स के ऊपर बैठे हो ना वैसी फीलिंग आती है जब आप राइड करोगे ना इस बाइक को, हीरो एक्सपल्स 4V को। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप आप सबके लिए वीडियो इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल होगी। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो पे, एक नई राइड पे। तब तक के लिए जय बोलना दोस्तों।